Good morning, all of you. Welcome. I am Dr. Nita Misra, Assistant Professor, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University. Friends, आज हम लोग discussion करेंगे. हमारा जो paper है, Interaction and Teaching Strategies for Hearing Impairment, ये third semester का 73 paper course है. इसका block 4, 2nd, 3rd हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग ब्लॉक 4 पढ़ेंगे, जिसका यूनिट है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज. श्रवणबाधित बच्चों के भाषा विकास में हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, कौन सी तकनीकी और उनका क्या सिद्धांत है, उस पर आज हमारा डिस्कशन फोकस होगा. इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो आउटकम आएंगे वो आप अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेपण क्या होता है उसके बारे में जान पाएंगे, और शीघ्र हस्तक्षेपण से जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनका भाषा विकास कैसे डेवलप होगा उस पर आप समझ सकेंगे. भाषा शिक्षण के क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसको किस प्रकार से हम श्रवण बाधित बच्चों पर अडॉप्ट करेंगे इसको भी आप जान पाएंगे. साथ ही साथ श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास में जो विभिन्न सिद्धांत है उनके सोचने समझने की शक्ति को कैसे विकसित किया जाए इसको भी आप समझ सकेंगे. भाषा विकास के विभिन्न तकनीकियों और साथ ही साथ उनका अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अपने क्लासरूम में कैसे यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इससे भी आप अवगत हो सकेंगे. साथ ही श्रवण बाधित बच्चों को संप्रेषण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इनसे भी आप अवगत हो सकेंगे. फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात करते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेपण का सिद्धांत क्या है, क्या होता है शीघ्र हस्तक्षेपण या अर्ली इंटरवेंशन. होता क्या है कि जो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो उस दिव्यांगता में जितनी जल्दी हम उस दिव्यांगता को आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद उस दिव्यांगता के अकॉर्डिंग उनका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो शुरू कर दे, उसमें जो हस्तक्षेप कर दे उसी को हम लोग शीघ्र हस्तक्षेपण कहते हैं. श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या सुनने की होती है और सुन न पाने से उनके भाषा का विकास नहीं हो पाता. जब भाषा का विकास नहीं हो पाता तो वो कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और वो अपने को समायोजित नहीं कर पाते. इससे होता क्या है, उनका एजुकेशन भी इफेक्टेड होता है, उनका सामाजिक परस्पर जो संयोग होता है वो भी इफेक्टेड होता है, परिवार के साथ तालमेल बनाने में भी समस्या होती है, अपने सिबलिंग या फ्रेंड से भी जुड़ने में उन्हें समस्या होती है. तो अगर हम शीघ्र हस्तक्षेपण यानी हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर ले कि श्रवण बाधित बच्चे में क्या समस्या है और उस समस्या को जानकर उनका कितना हियरिंग लॉसेस हुआ है, कितना डेसिबल लॉसेस है, मींस वो माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट है, सीवर है या प्रोफाउंड है, किस लेवल पे उनका हियरिंग लॉसेस है, अगर हम इसका पता लगा ले तो हम जल्द से जल्द उस पर हस्तक्षेपण कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं. तो इसके जो पांच सिद्धांत है, 5 principles है, पहला है कि शीघ्र हस्तक्षेपण सुनने के द्वारा अधिगम को बढ़ावा मिलता है. मीन्स अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ले तो हम उस बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उनके इक्विपमेंट है, हियरिंग एड्स है या कॉकलियर इम्प्लांटेशन कराना है, वो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा के अगर उनके भाषा विकास को शुरू कर दे तो उनका भाषा विकास तीव्र गति से डेवलप हो जाएगा. दूसरा है शीघ्र हस्तक्षेप भाषा और साक्षरता कौशल का आधार है. भाषा ही साक्षरता कौशल को डेवलप करता है. किसी भी बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक या उसके सृजनात्मक डेवलपमेंट में भाषा का अहम रोल होता है. अगर भाषा का विकास अगर हस्तक्षेपण हो जाए तो उसमें हम उनके भाषा विकास को डेवलप करके उनके साक्षरता कौशल को भी विकसित कर सकते हैं. तीसरा है हस्तक्षेप व्यक्तित्व क्रमबद्ध तथा बहुउद्देशी होना चाहिए. जो भी श्रवण बाधित बच्चे होते हैं सब की जो श्रवण लॉसेस होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनकी श्रवण लॉसेस के अकॉर्डिंग अगर हम प्लान क्रिएट करें, उनके इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करें तो उनके भाषा विकास को हम ज़्यादा बेटर बना सकते हैं. चौथा है आपका अंतर व्यवसायिक सहयोग से प्रवाही अनुदेशन संभव है. जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं
उनके लिए एक टीम का गठन होना जरूरी होता है। टीम मीन्स आडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इंटरप्रेटर और उनके स्पेशल टीचर्स और साथ साथ उनके अभिभावक। अगर ये एक साथ कम्बिनेशन कर ले और वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके इन बच्चों के भाषा विकास में अपना तालमेल बनाकर सहयोग प्रदान करे तो इंडिविजुअली इस बच्चे में भाषा विकास का ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा एवं साक्षरता कौशल का विकास हेतु परिवार की भूमिका। किसी भी बच्चे का भाषा विकास उसके परिवार से ही शुरू होता है। घर उसके भाषा विकास का पहला माध्यम होता है। विद्यालय में जो वो भाषा सीखता है वो उसकी सेकेंडरी भाषा होती है, मगर मातृभाषा तो वो घर से ही सीखता है। इसमें अगर परिवार उन बच्चों के शिक्षक, उनके जो व्यावसायिक है, प्रोफेशनल हैं, उनसे अपने कोऑर्डिनेशन बनाकर उनके भाषा विकास में सहयोग करें तो बच्चे के भाषा विकास को हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या प्रिंसिपल है, इस पर हम लोग फोकस करें। पहला है बहु इंद्रिय प्रशिक्षण। श्रवण बाधित बच्चे की मेन समस्या सुनने की है, तो वो किसी भी चीज़ को सुन नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम मल्टीपल सेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम उसे दृश्य के माध्यम से दिखा सकते हैं, उन्हें पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उनका विजिट करा सकते हैं और उनके अदर सेंसेस का यूज करके उनके भाषा विकास को डेवलप कर सकते हैं। बच्चे के उपयोगी भाषा सिखाने की आवश्यकता। होता क्या है, डेली रूटीन में जब बच्चा नहाता है, खाता है या स्कूल जाता है या किसी भी क्रिया को करता है, तो उस समय परिवार में जो उनके अभिभावक होते हैं वो उन्हें सहयोग कर सकते हैं। जैसे उनसे पूछ सकते हैं, आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, तो ऐसे नए नए शब्दों का विकास होगा और बच्चे को सोचने समझने की कैपेसिटी उसमें डेवलप होगी। अर्थपूर्ण परिस्थिति एवं संदर्भ का उपयोग करना। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है या किसी कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित करना है, तो उस समय बच्चे को बोलकर, उसके सामने जाकर, उसको उस बात को डिफाइन करके हम उसके भाषा विकास को डेवलप कर सकते हैं। भाषा लक्ष्य हेतु एक माध्यम है। किसी भी बात को, चाहे वो सामाजिक हो या वो एजुकेशनल लेवल पे हो या आपके कॉग्निटिव लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो, इन सारी चीज़ों के लिए भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना भाषा के हम उस चीज़ को डिफाइन या प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो श्रवण बाधित बच्चे को अपनी बात, अपनी जो इमोशन है उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके भाषा विकास में जो उनके प्रोफेशनल हैं, जो उनके टीचर्स हैं और जो उनके अभिभावक या परिवार के सदस्य हैं, वो उनके भाषा विकास को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। भाषा का अधिगम शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली 1.5 साल से 5-6 साल ईयर में बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो उसमें होता क्या है, सामान्य बच्चे जो होते हैं वो तो काफ़ी अच्छा डेवलप कर लेते हैं क्योंकि वो सुन लेते हैं, सुनने के कारण उनके अंदर शब्दों का भंडारण होना शुरू हो जाता है। श्रवण बाधित बच्चे के साथ समस्या ये है कि वो सुन नहीं पाता, ना सुन पाने के कारण उनकी समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करके और उनके अकॉर्डिंग जो रेसिड्यूअल पावर है, जो उनकी बची हुई क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट यूटिलाइज करके उनके भाषा विकास को तुरंत शुरू कर दे तो बच्चे का भाषा विकास सामान्य बच्चों के समान हो सकता है। भाषा अधिग्रहण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स भाषा हम कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा केवल विद्यालय के माध्यम से लिया जाए, परिवार के माध्यम से लिया जाए। भाषा विकास तो कंटिन्यूअस है, जहाँ भी वातावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कहीं भी बच्चा जा रहा है, कहीं भी नई चीज़ें सीख रहा है, तो उस चीज़ों को अगर हम डिफाइन कर दें, उसे समझा दें, उसके बारे में बता दें, तो बच्चे में उस भाषा का अधिग्रहण ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। बच्चों के द्वारा स्वतः भाषाई अभिव्यक्ति होने पर ही भाषा अधिग्रहण होता है।
किसी भी शिक्षक या परिवार के सदस्य द्वारा किसी बात को बता देना, कर देना, वो वहाँ तक ही संभव है जब तक कि बच्चों उस चीज को रिप्लाई ना करे। जब बच्चों उस चीज को समझ ले, उसका अधिग्रहण कर ले और फिर उस चीज को वो अपने शब्दों में बोलना चाहे, तो भाषा का अधिग्रहण हम अच्छे तरह से बच्चे में करा सकते हैं। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके भाषा विकास में कौन कौन से टेक्निक यूज होगी उस पर हम लोग डिस्कशन कर ले। श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास में कहानी के द्वारा हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वार्तालाप के द्वारा कर सकते हैं, निर्देशात्मक क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं, विजिट भ्रमण के द्वारा कर सकते हैं, चित्र का डिस्क्रिप्शन करके कर सकते हैं, किसी कविता को पढ़ा के कर सकते हैं, समाचार के द्वारा, खेलकूद के द्वारा, कला और हस्तकला के द्वारा, साथ ही साथ पहले के द्वारा भी हम श्रवण बाधित बच्चों का भाषा विकास कर सकते हैं। पहले स्टेप आ जाए किस प्रकार हम कहानी कथन के माध्यम से बच्चे का भाषा विकास कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहानियाँ काफ़ी पसंद है, उन्हें कॉमिक्स के पढ़ना काफ़ी पसंद है, उन्हें जो एनिमेशंस वाले प्रोग्राम होते हैं, ऐप्स होते हैं, वो काफ़ी पसंद होते हैं। तो हम श्रवण बाधित बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भाषा विकास करने हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की कहानियाँ के माध्यम से उनके भाषा विकास को वृद्धि कर सकते हैं। कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं, पारंपरिक भी कहानियाँ होती हैं, स्वनिर्मित कहानियाँ होती हैं, जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। पारंपरिक कहानियाँ आप समझ गए होंगे, वो कहानियाँ होती हैं जो दादा दादी, नाना नानी, राजा रानी इस तरह से बच्चों को सुनाया जाता है। स्वनिर्मित कहानियाँ वो कहानियाँ होती है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाए। जैसे अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसी के माध्यम से उस किसी अच्छे कार्य करने वाले बच्चे का कहानी बताकर ये बताया जाए कि वह ऐसे करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्वयं निर्मित करके कहानियों द्वारा भी हम बच्चे का भाषा विकास कर सकते हैं। जीवन से जुड़ी कहानियाँ, कभी किसी की सहायता करना, कभी किसी को घर जाना, किसी त्यौहार में जाना, किसी फंक्शन में जाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कहानियाँ बनाकर हम बच्चों के भाषा विकास को डेवलप कर सकते हैं। कहानियाँ बनाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कहानियाँ काफ़ी सरल हो, बच्चे के डेली रूटीन में उस भाषा का बार बार प्रयोग होता हो, जिससे बच्चे उस भाषा को अधिग्रहण करने में उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो पाए। दूसरा, वार्तालाप या कम्युनिकेशन। वार्तालाप या कम्युनिकेशन दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो पूर्व नियोजित और दूसरा है गैर नियोजित। पूर्व नियोजित वार्तालाप, जैसे सपोज हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमें किसी बच्चे का जन्मदिवस मनाना है, तो हम पहले ही अपनी कक्षा में सारे बच्चों से कह दें कि आज रवि का जन्मदिवस मनाना है, कल रवि का जन्मदिवस है, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, क्योंकि जन्मदिवस पे क्या होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं और साथ में बर्थडे विशिंग करते हैं। तो सभी बच्चों को उस चीज़ को एक दिन पहले ही बता दें, नेक्स्ट डे जब रवि आए तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो। अब वहाँ पे सभी बच्चे उसे बर्थडे विश करें, बर्थडे गाने गाएं, केक काटें, चॉकलेट बांटें, इस तरह से विभिन्न एक्टिविटियाँ जो करके सिखाया जाए, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में शब्दों का भंडारण विकसित होने लगता है। एक तरफ तो उन्हें सामाजिकता आती है, आपस में जुड़ाव होता है, साथ में वो जो पर्टिकुलर इविडेंट है उसे वो ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें उन चीज़ों के नाम भी पता चलते हैं और कैसे हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, कैसे एक दूसरे की खुशियों को बांटना चाहिए, इस पर भी हम बहुत अच्छे से बच्चों में वो सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। भ्रमण के द्वारा हम बच्चे का, श्रवण बाधित बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे से करा सकते हैं। भ्रमण हम कहीं भी करा सकते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे ले जाके करा सकते हैं, बैंक में ले जाके करा सकते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके करा सकते हैं, लेकिन भ्रमण कराने से पहले हमें बच्चों के वहाँ के एक्टिविटीज़ को बताने की आवश्यकता है। सपोज़ हम किसी रेलवे स्टेशन में ले जा रहे हैं, किसी ट्रेन
के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हमें पहले बच्चे को वर्ड कार्ड और फ्लैश कार्ड के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए, टिकट घर कहाँ है, टिकट क्या होता है, टिकट कैसे लिया जाता है, ट्रेन में कैसे चढ़ा जाता है, टिकट को कौन चेक करता है, इन सारी चीज़ों को हम शब्द कार्ड और वर्ड कार्ड के माध्यम से बच्चों को उसकी जानकारी दे दें। इसके बाद हम बच्चों को वहाँ पर विजिट कराएं, जिससे बच्चों का वो कॉन्सेप्ट वर्ड कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो और वहाँ पे हम बच्चों को उन सब चीज़ों से अवगत कराएं। इसके बाद हम उसे जब वो वापस ले आए, तो आपने रेलवे में जब भ्रमण किया तो आपको क्या क्या जानकारी मिली, इस बात पे हम उनसे लेख लिखवाएं, वार्तालाप कराएं, नए नए शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह से हम बच्चे का भाषा विकास करने में काफ़ी सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं। विभिन्न जगहों पर जाने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले वहाँ की जो भी क्रियाएँ हैं उसके बारे में शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड, चित्र कार्ड इत्यादि के माध्यम से बच्चों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। चित्र वर्णन, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हम बच्चों का भ्रमण नहीं करा सकते या क्लासरूम में उस इक्विपमेंट या एविडेंट को नहीं ला सकते, ऐसे सिचुएशन में हम चित्र के माध्यम से बच्चों को उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बताना चाह रहे हैं समुद्र का किनारा, रेत, वहाँ पे स्विमिंग करना, वहाँ पे कुछ पंछियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को डिफाइन करने से पहले उसकी चित्र को, चित्र के साथ शब्द कार्ड को भी रखना जरूरी है और उन्हें उस चीज़ को बताने के लिए अपने इम्प्रेशन को भी इंक्लूड करना होगा, अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, बोलने की स्पीड व शब्दों का चुनाव बहुत ही सरल करना होगा। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ हो सके तो उस चीज़ को शो करने के लिए अपने एक्टिविटी को भी डेवलप करना होगा। सपोज़ हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि हाथी एक बड़ा जानवर है, तो हमें हाथी बनाने के लिए अपने हाथों को बड़ा करना होगा। बड़ा के लिए हमें ऐसा करना होगा, हमें चित्र के साथ साथ, वर्ड के साथ साथ अपने जो एक्सप्रेशन है उसको भी काफ़ी डेवलप करना होगा, जिससे बच्चे हमें ऑब्जर्व कर सके और उन चीज़ों को ज़्यादा बेटर से समझ सके। कविता के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, नर्सरी के बच्चों को जब पढ़ाने की यूज़ होती है तो उन्हें रिदम से पढ़ाया जाता है, लयबद्ध चीज़ों से कविताओं को बोल के पढ़ाया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से गेनिंग कर सके। कविता पढ़ाते समय इंटोनेशन भी होता है, शब्दों का उतार चढ़ाव होता है, कहाँ पे शब्द ऊंचा ले जाना है, कहाँ शब्दों को नीचा करना है, कहाँ हमें इक्वल वे में शब्दों को बोलना है, उस चीज़ को डिफाइन हो जाता है। साथ में बच्चे लयबद्ध तरीके से नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इससे अपने हावा और फेशियल एक्सप्रेशन से और अच्छे से बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे मछली के लिए हम अपने हाथों को कर सकते हैं मछली, जल के लिए पानी, जल की रानी, रानी दिस रानी, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। अब जो आप ये फैशियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे को जो पानी है या मछली है, इन सब चीज़ों के साथ उन अपनी भी एक्टिविटी, अपने को भी प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। अब उस अगर उस बच्चे से हम उस रिदम से उस चीज़ को समझना चाहें तो बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बता सकता है और उस रिदम से उस कहानी को या उस कविता को करने में ज़्यादा अपने को विकसित कर सकता है। तो शिक्षक को ये चाहिए कि जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो वो बच्चे के एबिलिटी को, वो किस लेवल का बच्चा है, किस ढंग से पढ़ाना है, उसको ध्यान में रखते हुए, शब्दों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए तथा अपना फेस और लिप्स बच्चे के सामने रख के उस एक्टिविटी को करें, तो बच्चे में भाषा विकास बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
न्यूज के द्वारा, समाचार के द्वारा। समाचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें देश दुनिया की खबर मिलती है, अपने अगल बगल की भी जानकारी मिलती है, विभिन्न त्योहारों के बारे में जानते हैं, किसी दुर्घटना के बारे में भी जानते हैं। तो ऐसे विभिन्न जो डेली रूटीन में क्रियाएँ होती हैं वो न्यूज के माध्यम से हो सकते हैं। तो शिक्षक को क्या चाहिए, बच्चे को एक डायरी प्रोवाइड करें और उन्हें कहे कि आप समाचार पढ़ के आइए, आज समाचार आपकी एरिया में क्या हुआ है, उन चीज़ों को वो डिफाइन करें और डिफाइन करने के बाद बच्चों का उस पर वार्तालाप कराए। अगर बच्चा शब्दों को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक उसमें उन शब्दों को पूरा करने में सहायता करे और साथ ही उस वार्तालाप में और बच्चों को भी इंक्लूड करे। आपने न्यूज़ में क्या देखा, आपने न्यूज़ में क्या पढ़ा, आज क्या हुआ, मैच में क्या हुआ, ऐसे जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो उस चीज़ में नए नए शब्दों को बोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जब बच्चा अपने से अधिग्रहण करके अपने से शब्दों का उच्चारण करने में सफल हो जाए तब उसमें भाषा विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। खेलकूद के माध्यम से, खेलकूद में बच्चे आपस में तालमेल बनाना सीखते हैं, उन्हें पेशेंस आता है कि अभी हमारी बारी नहीं है, अभी उनकी बारी है, और हार जीत के भी माने को वो समझ पाते हैं। उन्हें सामाजिकता का विकास होता है, मैन स्ट्रीम समाज की मुख्यधारा में कैसे रहना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है, ये सारी चीज़ें हम खेल कूद के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। ड्राइंग कला के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी विभिन्न विविधता है, जो हमारे विभिन्न स्टेट्स हैं उसमें जो विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के खान पान, पोशाक इत्यादि के बारे में हम बच्चों के भाषा में वृद्धि कर सकते हैं। ये तो कुछ चीज़ें जिससे कि हम बच्चे के भाषा विकास को विकसित कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से कर सकते हैं, भ्रमण के माध्यम से कर सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से कर सकते हैं, समाचार के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें शिक्षक और परिवार के सभी सदस्यों का उसमें जुड़ाव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी बच्चे के भाषा विकास में इन जो उनके प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनका सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन हम करके इन सब के साथ तालमेल बनाते हुए क्रमबद्ध ढंग से अगर हम उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, सामाजिक सरोकार के लिए उनके भाषा विकास को विकसित करें तो श्रवण बाधित बच्चा भी सामान्य बच्चों के साथ समान ही अपने को मैन स्ट्रीम की धारा में प्रदर्शित कर सकता है। अब हमें ध्यान देना है कि श्रवण बाधित बच्चे के साथ जब हम संप्रेषण करें तो किन किन चीज़ों में सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी। एक क्लासरूम में जब शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है और उसके सामने श्रवण बाधित बच्चा है तो उसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हम उसको देखें। पहला है कि श्रवण दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत करते समय शोरगुल का वातावरण नहीं हो, कमरे में नियंत्रण में हो, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे विभिन्न जो साउंड होती है उसको वो आइडेंटिफाई करने में समस्या होती है। तो अगर शिक्षक अपने शिक्षण कार्य कर रहा है लेकिन अगर कोई दूसरी आवाज़ आ रही है तो बच्चा शिक्षक के शिक्षण को न समझ के अन्य आवाज़ों में कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए जो वातावरण हो वो कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा, बच्चे की ओर देखते हुए ही वार्तालाप करें, क्योंकि बच्चा टीचर के हाव भाव, उसकी लिप रीडिंग इत्यादि के माध्यम से ही भाषा को सीख पाता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों से वार्तालाप करते हुए शब्दों का उच्चारण बहुत सरल होना चाहिए, बहुत सिंपल शब्दों को यूज करना चाहिए और सब एक शब्द के कई सिंपल वर्ड भी होने चाहिए जिससे बच्चा उस शब्द को आइडेंटिफाई कर सके। श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र को नियमित पहनना और उसे जांच करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, उसे बार बार चेक करना चाहिए कि उसके श्रवण यंत्र में कोई कचरा तो नहीं हो गया, उसकी बैटरी तो डाउन नहीं हो गई, इन सब चीज़ों को वो बार बार ऑब्जर्व करें और अपने श्रवण यंत्र का हमेशा यूज करें। नेक्स्ट, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए
और जो शिक्षक है उसका पहनावा भी सिंपल होना चाहिए। बहुत तड़क भड़क के अगर शिक्षक कपड़े पहन रहे हैं तो बच्चा शिक्षक के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ना देख के शिक्षक को ही देखना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि उसका भाषा विकास अवरुद्ध होगा। अगर बच्चा कह रहा है कि आप किसी बात को दोहराएंगे तो उस बात को बार बार दोहराना चाहिए, उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए बच्चे के समस्याओं को देखते हुए वो किसी बात किसी डिफिनेशन को बार बार बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए और हर बार सरल वाक्यों का यूज करना चाहिए। वार्तालाप करते समय अपनी वाणी में उतार चढ़ाव इंटोनेशन होना चाहिए, एक ही रिदम में वर्ड्स नहीं होना चाहिए। कहाँ वर्ड्स को अप करना है, कहाँ डाउन करना है, कहाँ सिंपल वे में ले जाना है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रवणबाधित बच्चों के साथ वार्तालाप करते हुए उससे संदर्भित जो वातावरण है उस पर डिस्कशन करना चाहिए। अगर श्रवण दिव्यांग बच्चे को संप्रेषण करने में असमर्थ है तो उसे बोलकर या सांकेतिक भाषा के माध्यम से, चित्र कार्ड के द्वारा, शब्द कार्ड के द्वारा, वर्ड कार्ड के माध्यम से उसके शिक्षण प्रक्रिया को कराना चाहिए। टीवी या फिल्म दिखाते समय कैप्शन का प्रयोग करना चाहिए। कैप्शन में लिखे हुए शब्दों को शिक्षक को उसे डिफाइन करना चाहिए, शिक्षक को बताना चाहिए कि ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इसमें क्या क्या चीजें, कौन से नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बच्चों से वार्तालाप करते समय शिक्षक को अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखना चाहिए जिससे बच्चा आपकी तरफ आकर्षित हो सके। बच्चों के संप्रेषण करते समय उसके तरीके की पहचान करें, कौन सा बच्चा किस प्रकार के संप्रेषण को अडॉप्ट कर सकता है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही संप्रेषण करना चाहिए। श्रवण दिव्यांग बच्चों के साथ वार्तालाप करते समय अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम बाद में बताएंगे, उस बच्चे को उसी समय उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको दूर करना चाहिए और हो सके पॉसिबल हो तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ऐप्स, एनिमेशंस, जो फिल्म्स है, मूवीज है, जिसमें बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों का विशेष ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सहयोग से, चाहे वो कहानी कथन का माध्यम हो, चाहे वो विजिट का हो, या आपस में कम्युनिकेशन का माध्यम हो, इन सभी विभिन्न तकनीकी से हम बच्चों के भाषा विकास को काफ़ी अच्छा डेवलप कर सकते हैं। अगर शिक्षक और परिवार के सभी सदस्य मिलकर श्रवणबाधित बच्चों के साथ क्रमबद्ध तरीके से उनके भाषा विकास को डेवलप करें, साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शीघ्र हस्तक्षेपण यानी अर्ली इंटरवेंशन हो और हस्तक्षेपण हो, तो हम श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी पेपर का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।